अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ाज़ शहबाज़ ख़ान, शाहपुर कांजरा इस वक्त हम मौजूद हैं। और जो कुर्बानी के जानवरों के रेट्स हैं वो पकड़ा ही नहीं दे रहे, वो बकरे हों भले बैड़े हों, बहुत टफ़ मंडी है आजकल और कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लाखों की कीमतों वाले बकरे भी आपको दिखाएंगे, देसी बकरों की और कुछ बकरों को ब्रायलर का ताना दिया जाता है वो भी आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाएंगे कि वो सूरत हाल क्या है। शाहपुर कांजरा में इस वक्त मजीद हालात क्या हैं, आप हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? उमर। उमर भाई कितना प्यारा नाम है यार, कितने का ये बकरा? ये 1.35 का। उमर भाई मजाक कर रहे हो यार? मजाक नहीं हो, ये सीरियस बात कर रहे हो। 1.35 का बकरा यार? यस, 1.35 का। उमर भाई आखिरी दिन तुमने ना ये 35 का बेच के चले जाना है मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, वो तो मेरे नसीब है ना। नसीब का नहीं मसला, अभी तुम क्यों इतना फिर टाइम लगा रहे हो, मेरा बच्चा निकालो। जो पीछे से मिल रहे हैं वैसे दे रहे हैं ना हम भी। 1.35 का मिला तुझे पीछे से, ये कितना गोश्त होगा इसमें? आप खुद ही देख लो कितना होगा अंदाजन, तुम्हारा तजर्बा ज्यादा है ना। तकरीबन 2.5 मन होगा इसमें गोश्त। 2.5? क्या कह रहे हो यार, देख लो जा आप। उमर भाई इसमें 2.5 मन गोश्त? जी उठा के देख लो इसे, पता चल जाएगा। चाचा तुम सियाने आदमी हो, न्याय करना जे। उमर कहता है जो 2.5 मन गोश्त निकलना है। 2 मन तो पक्का है भाई, पक्का लोहा जिंदा तो 2.5 मन तो ज्यादा बन जाए, जिंदा 2.5 मन तो। क्या नाम है आपका जी? अजद। अजद भाई 2.5 मन का ये? मुझे तो नहीं लग रहा है, आप बताएं आपको लग रहा है 2.5 मन का? बस ये बेचने वालों को ही लग रहा है आज। ऐसा ही है, मुझे भी ये लग रहा है कि बेचने वालों को ही लग रहा है, हमारी आंखों में पट्टी बंधी हुई है जैसे। उमर भाई कोई 2.5 मन से कम वाला है आपके पास? मुख्तलिफ रहे बकरे हैं ये, इसमें से कोई 1.5 लाख से नीचे है कोई? हाँ बहुत ज़्यादा नीचे भी है। ये कितने में? ये है 70,000 का। ये अब 1.5 मन ना कह देना इसको। नहीं यार ये मन का है। 1 मन का ये? जी। उमर भाई आपने खाना खाया टाइम पे आज? जी। चाय शाय पी साथ? बिल्कुल। दोबारा खाना खा के आए आप? वो तो खाना है शाम को, दोबारा थोड़ा सा ना और खाएं। हैं? वो खा लूंगा। अजद भाई आप क्या खरीदेंगे यहाँ से? कुछ भी नहीं खरीद सकता, खामोशी खरीदूंगा बस मैं। खामोशी तो आपके पास आपके दामन में वैसे वसी होगी, खामोशी खरीदने की आपको जरूरत ही क्या है? बिल्कुल जी। क्या ख्याल है? ऐसा ही है। क्या हाल है भाई? खैर है भाई। क्या नाम है आपका? शबीर भाई। शबीर भाई यार मेरे कैमरा मैन के नाम भी शबीर है, तू भी शबीर है भाई, फिर तो ये रिश्तेदारी हो गई ना। रिश्तेदारी हो गई ना, नस्बत एक हो गई ना। अब ये बताओ ये कितने मन है? सही बतानी है बात। जिंदा 2.5 मन का होगा। जिंदा 2.5 मन का? हाँ देख लेना। साइज से ऊपर में यार हर शय का वजन बराबर होना है। अच्छा? हाँ जी। 2.5 मन का ये मुझे लग नहीं रहा है। शबीर भाई ये कितना है? ये भी इतना होगा। ये उससे बड़ा है या वो जोड़ी है? बड़ा। ये बड़ा लग रहा है लंबाई। इसका वजन कुछ बेहतर है ना? ये कितने में है? 3 मन। 3 मन पे चले गए? मन तो इस तरह बढ़ा रहे हो जैसे वैड़े खरीद रहे हैं आपसे। कितने का ये? 1,30,000। वो 2.5 मन का कितने का बताया उन्होंने? 1,30,000। बड़े बकरे। सूरत हाल आपको दिखाते हैं जी। शहरी तो अभी जो है वो मोस्टली मायूस वापस जा रहे हैं जो शहरी हैं। क्या एग्जैक्ट हालात हैं, क्या मामला हैं आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप? खैरियत से? शुक्र है। तो क्या बना रेट रूट? सर रेट अभी तो वो मांग ही बड़े पैसे रहे हैं। 1.5 लाख मांग लिया होगा ये जी? 1.5 लाख जोड़ी का मांग रहे हैं। 1.5 लाख जोड़ी का? अच्छा 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 अच्छा। कितना वजन होगा सर इसका? इसका वजन 50 किलो के करीब है। 50 के करीब? 50 नहीं है ना? नहीं है। इनसे पूछें 2 का है 1 का? आज वजन सारे ज्यादा बता रहे हैं, क्या वजह हुई है? यार शायद हमारा कोई पैमाना हिल गया। पा लो इन्हें। 50 होएगा जी? होएगा। जिंदा? जिंदा। अदरवाइज मेरा ख्याल निकल आएगा कोई 35 किलो गोश्त। हाँ गोश्त 35 किलो है ना जी? 35। अच्छा तो ये आप कह रहे हैं कि इसका 75 एक का? 65 मांग रहे हैं ना, 1.5 मांगे ना जोड़ी का। अच्छा 45 मांगे जोड़ी का? हाँ 1.45। अब 65 हो गया फिर? फिर कोई लेस लुस कम कुम? 1.40 दी लेस है। हाँ तू बोलना है बकरे ने नहीं, नहीं बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा भाई है हमारा। किस इलाके से है भाई? भावलपुर। देखा कितना प्यारा शानदार इलाका, फिर हमारा आप क्या बात। देसी वहाँ देसी बकरा जड़ी बूटी पे पलता है, क्या बात है। रोई का आप बकरा खा ले हैं?
ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬਤਾਨੇ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਬਸਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰੈਲਰ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਸੀ ਇਹ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕਲਾਸ ਕਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਇਸ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪ ਜਬ ਕੀਮਤ ਇਤਨੀ ਮੰਗ ਲੇਂਗੇ ਤੋ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਬੂ ਜਿਨਕੋ ਆਪਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਸਕਰਾਤੇ ਹੋਏ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਮੇ ਘਰ ਜਾਏਂਗੇ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇਂਗੇ ਇਨਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਘਰ ਜਬ ਬਕਰਾ ਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗੇ ਤੋ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹੋਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪੜੇਗਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕਈ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਡਾਲੇਂਗੇ ਜੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਈਨਲ ਕਿਆ ਯਾਰ ਆਪ ਸਮਝੋ ਈਦ ਮੇ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਆ ਫਾਈਨਲ ਸੋਚੋਗੇ ਅਭੀ ਅਭੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੁਮ ਲੇਕਿਨ ਬਤਾ ਤੋ ਦੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਭੀ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਈਦ ਹੈ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਈਦ ਹੋਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਤੇ ਜੋੜਾ ਆਪ ਬਤਾਏ ਆਪ ਬਤਾਏ ਹੁੰਦੇ ਅਗਲੇ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੱਕਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਹਰ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸ ਰੇਟੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ ਸੁਬਹ ਕਿਤਨਾ ਬੱਕਰਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਅਸਾ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾ ਲਈ ਜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਬਾਤ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਮਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਨੇ ਇਨਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਪੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲਤਾ ਜੁਲਤਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਤੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਬਤਾਏ ਜੋ ਇਹ ਖਰੀਦ ਲੈ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਤ ਬਣ ਜਾਏ ਇਨਕੋ ਕਹੇ ਬਤਾਏ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਆਪਕੀ ਰੇਂਜ ਬਤਾਏ ਜੀ ਇਹ ਆਪਕੋ ਕਿਸ ਰੇਂਜ ਮੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਸਰ ਹਮੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਮੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ 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 ਸੀ ਚਾਚਾ ਪਾਸ ਸੁਣੋ ਚਾਚਾ ਪਾਸ ਓ ਇਧਰ ਆ ਚਾਚਾ ਇਧਰ ਆ ਚਾਚਾ ਇਧਰ ਚਾਚਾ 80 ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੇ 80 ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ 12-14 ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦਾ 40,000 ਰੇਟ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਪਾਲਣੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ 65 ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾ 65 ਮੰਗਾ ਇੱਕ ਕਾ ਮੰਗਾ ਇੱਕ ਕਾ 65 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਾ 65 ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾ 40 ਚਾਚਾ 80,000 ਦੇ ਦੋ ਸੰਤੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਆਪ ਦੇ ਦੋ ਆਪ ਬੱਕਰੇ ਪਾਲੇਂਗੇ ਉਹ ਤੋ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕੋ 80 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਦਿੰਦਾ 80 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਪਾਲੂੰਗਾ ਤੇਰੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜੋੜੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰੈਟਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਫਰੀ ਦੇ ਦੇਸੂ ਚਾਚਾ ਫਰੀ ਚਾਚਾ ਫਰੀ ਦੇ ਦੇਸੂ ਲਓ ਜੀ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਖਾਦੇ ਚਾਚਾ ਇਧਰ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਚਾ ਕੀ ਖਾ ਕੋ 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਕੋ 5 ਕਿਲੋ ਸਵੇਰ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾ ਆਪੜਾ ਹੀ ਰੱਖਸੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ 12,80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 85,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਖ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੱਖ ਵੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੱਲ ਬੱਚਾ ਖਰੀਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਕੌਣ ਸਾ 65,000 ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੇ ਲਈ ਉਹ ਖੜਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇਧਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਆਪਨੇ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਬਈ ਖਰੀਦ ਸੂ ਤੋ ਇਹ ਅਭੀ 65 ਕਾ ਖਰੀਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋ ਇਹ 1.65 ਕਾ ਵੇਚेंगे ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਚेंगे ਹੈ ਚਾਚੇ ਕੇ ਸਾਥ ਚਾਚੇ ਕੇ ਸਾਥ ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ ਫਰੀ ਦੇ ਸੂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਚਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ ਨਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਜੂ ਹੀ ਇਨਕਾ ਪੈਚਪ ਹੋਆ ਨਾ ਚਾਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 65 ਕਾ ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਜੀ 65 ਕਾ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੇ ਹਾਸਲਪੁਰ ਕੇ ਬਕਰੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸ ਕੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਗਾ ਸਰ ਇਸਕਾ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਕਾ 2.5 ਮਨ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜਬ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ 4x4 ਮਨ ਉਸ ਸਨ ਗੋਸ਼ ਕਿਤਨਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ 2.5 ਮਨ ਉਸ ਨਿਕਲ ਪਉਸੀ 2 ਮਨ ਸਵਾ 2 ਮਨ 2.5 ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਪਉਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਹੈਂ ਆਪ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਕਰੋ ਕੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੰਡੀ ਕਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਆਪਨੇ ਕੀ ਕੀਮਤ ਬਤਾਈ ਹੈ ਭਾਈ 6 ਲੱਖ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਇੱਕ ਕਿ ਦੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਈ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਬਣਨੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਤਾਏ ਜੀ ਕਿਆ ਲਗਾਤੇ ਆਪ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੋਲੇ 4 ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਹਾਂਜੀ 4 ਕੇ 2 ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ 2 ਯਾਨੀ 1 ਕਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਈ ਨਹੀਂ 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 ਬਾਤ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਬਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਬਈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਚਾਚਾ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬਾਤ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੇ ਖਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਤਾਏ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ 5.5 lakh ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਰੇਂਜ ਆਪ 1.5 lakh ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੇਂਜ ਮੇ ਆਏਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ 5.5 lakh ਬਕਰਾ ਤੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਨਕਾ ਜੀ ਇਨਕਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ 3 lakh ਸੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਦੋਨੋ ਤੀਨ ਕੇ ਦੋਨੋ ਤੀਨ ਕੇ 1.5 lakh 1.5 lakh ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਲਗਾ ਦਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਨਸੇ ਬਾਰੀ ਬਕਰੇ ਉਧਰ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਇਨਕਾ ਅਗਰ ਰੇਟ ਬਨੇ ਤੋ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੀਏ ਇਸੇ ਬਾਰੀ ਇਸੇ ਬਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਤੋ ਆਪਕਾ ਹਰ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਵੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਕੋ ਤੋ ਹਮ ਹਰ ਰੋਡ ਪੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਅਕਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਲਗਾ ਲਈਏ ਅਬ ਬੱਕਰੇ ਲਗਾ ਲਈਏ ਇਧਰ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਾਂ ਵੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਹਾ ਨਾ ਕੱਟੇ ਬੱਕਰੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੁਰਗੀ ਅੱਛਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਰੇਟ ਇਸਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਨਕਾ ਮੈਨੇ ਮੁਨਾਸਬ ਬਤਾਇਆ ਤੀਨ ਸਾਢੇ ਤੀਨ ਕੇ ਕਰੀਬ ਇਸਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਲਗਾ ਦਿਆ ਭਾਈ 4 ਲਗਾਇਆ ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ 2 ਲਗਾਇਆ ਇੱਕ ਕਾ 2 ਇੱਕ ਕਾ ਦੋਨੋਂ ਕੇ 4 ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਨਕੀ ਸਮਝਾ ਦੋਨੋਂ ਕਾ 2 ਸਮਝਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾ 2 ਸਮਝੇ ਤੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 1 ਲੱਖ ਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਰ ਨਹੀਂ 2 ਕੇ 2 ਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ 2 ਕਾ 2 ਕਾ 2 ਕਰੋਂ ਨੇ 4 ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੇ ਵਿਕਦੇ ਪਰ 2 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆ ਆ ਉਹ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚੇ ਨੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬੱਕਰੇ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ ਹੈ ਬੜਾ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਹੀ ਬੱਕਰੇ ਹੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਊਠ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਹੀ ਨੇ ਚੱਲ 2-10 ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇ ਰੇਟ ਇਤਨਾ ਕਿ ਹਮ 2-2.5 lakh ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਕਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਨਾ ਬੱਕਰਾ ਦੇਣੇ ਕੇ ਹੱਕ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਕਿਤਨਾ ਇਸਕਾ ਫਾਈਨਲ ਇੱਕ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਰੋਬ ਰੇ ਇੱਕ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਇਹ ਖਰੀਦੇ ਚਾਚਾ ਵਿਕੇ 2 ਬੱਕਰੇ ਕੋਈ ਆ ਵਿਕੇ ਰਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਿਆ ਤੋ 2 ਲੱਖ ਸੱਤ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਮਾਲ ਉਂਜੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਵੇਖ ਤੇ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨੁਕੜ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਿਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਬੜੇ ਚੋ 2 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਆਪ ਇੱਕੇ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਇੱਕੇ ਬਤਾ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹੋ ਖਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੰਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਗਿਣੇ ਚਾ ਇੱਕ ਕਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਯਾਰ ਉਹ ਬਤਾਇਆ 5.5 lakh ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜੋੜੀ ਕੇ ਬਤਾਇਆ ਨਾ 5.5 lakh ਜੋੜੀ ਕਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾ ਕਿਤਨਾ ਭਈ 2-25 ਤੀਨ ਤੀਨ 25 ਨਹੀਂ 2-25 ਇੱਕ ਕਾ 3 lakh ਇੱਕ ਕਾ 3 ਭਈ ਆਪਨੇ 2 ਲਗਾ ਦਿਆ ਥਾ ਇਸਕਾ ਇਹਦਾ 3 lakh ਰੁਪਿਆ ਤੋ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰ ਲੋ ਭਾਈ ਕੋਈ 2 lakh ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਲੇਕਿਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ 3 lakh ਜੋੜੀ ਆ 3 lakh ਰੁਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਤਾਇਆ ਨਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹੋ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਆ ਫਾਈਨਲ ਦੋਨੋਂ ਦਾ 5.5 lakh ਇਸੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਯਾਰ ਫਾਈਨਲ ਬਤਾਏ ਜੋ ਆਖਰੀ ਤੂੰ ਆਪ ਬਤਾਏ ਆਪ ਤੋਂ ਬਤਾਏ ਨਾ ਉਹਨੇ 3 ਲਗਾਇਆ 4 3 ਲੈ ਯਾਰ ਜਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾ 3 ਲੈ ਬਸ ਆਏ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਏ ਸਵੇਰ ਕੀ ਹੈ ਨਗਦ ਪੈਸੇ 3 ਕੜਕ ਤੇ ਨੋਟ ਓ ਹਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਾਨ ਮੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਲਵਾ ਬੱਕਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਇੱਕ ਕਿਤਨੇ ਕਾ ਲੇਂਗੇ ਇੱਕ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਲੋ ਯਾਰ ਜੋੜੀ ਕਾ 3 lakh ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਦਿਆ ਲੈ ਲੈ 3 lakh ਰੁਪਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋ ਵੀ ਉੱਚਾ ਲੇਕਿਨ 3 lakh ਵੀ ਥੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾ ਚਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਹੈ ਕੀ ਹੋਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 3 lakh ਰੁਪਿਆ ਫੜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ 3 ਪੇਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇਰੀ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਕਈ ਲੱਖ ਪਕੜਦਾ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ ਖੁਰਾਕ ਕਿਆ ਇਸਕੀ ਚਾਚਾ ਕਿਆ ਖਿਲਾਤੇ ਇਸੇ ਛੋਲੇ 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 ਗੰਦਾ ਸਭ ਗੋਲ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਇਹ ਜੀ ਦਹੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਬਾਲਟੀ ਅੱਗੂ ਰੱਖ 5 kilo ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਬੱਕਰਾ ਮੁਫ਼ਤ
ਪੀ ਜਾਏਗਾ 5 ਕਿਲੋ ਹਾਂ ਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਆਇਆ ਦੰਦੋਂ ਸੋਨਾ ਗਿਰਾਵਾ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਲਦੇ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਬਣਦੇ ਚਾਚਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦਾਇਆ ਦੰਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ ਗਿਰੀ ਗਿਰੀ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗਿਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਛਿੱਗਾ ਹੈਗਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਛਿੱਗੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਛਿੱਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਛੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕੀ ਛਿੱਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਛਿੱਗਾ ਹੈ ਛਿੱਗੇ ਦਾ ਕੱਟੇ ਵਰਗਾ ਗੋਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੀ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੋਈ ਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਛਿੱਗੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਰਾ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛਿੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੜੋ ਹੁੰਦੇ ਛਿੱਗਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਇਹ ਠੀਕ ਬਾਤ ਇਹ ਛਿੱਗਾ ਹੋ ਗਏ ਏਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਬਾਤ ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਬਾਤ ਛਿੱਗੇ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਕਰਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਧਣੇ ਵਧਣਾ ਕਿਤਨਾ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਨ ਵੀ ਜਾਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋਨੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਹੁਣ 5.5 ਕਹਿ ਰਹੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਟਕਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਸਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣ ਡਏ ਹਨ ਆਗੇ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ 5 ਕਾ ਕਹਤੇ ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਮੋਲ ਸਭ ਭਾਈ ਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਲਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਆ ਉਹ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਲਣ ਡਏ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਬੱਕਰੇ ਯਾਰ 3 ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 4-4 ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ ਟੋਕਨ ਪਕੜੇ ਬਾਈ ਭੈਣੇ ਟੋਕਨ ਤਾਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਕਿਉਂਗੇ ਲੱਖ ਬਸ ਇਹੀ ਵਾਰਾ ਖਾਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲਾਣ ਡਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਈ ਇਸਕਾ 3 ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜੈਨਮਨ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜੈਨਮਨ ਉਹ ਵੀ ਜੈਨਮਨ ਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਇਹ ਕਿਆ 10,000 ਲੈ 10 ਕਾ ਟੋਕਨ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ 10 ਕਾ ਟੋਕਨ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ 12 ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ 3 ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਥਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਪਿਆ ਨਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਾ ਗੈਰ ਖਰਚੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਪੈਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਉਹਨੀ ਉਹ ਆਖਦਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਚਾਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ 5 ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਜੋੜੀ ਵਿਕਾਏਗਾ ਜੋੜਾ 5 ਕੇ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੱਕਰੇ 5 ਮਹੀਂ ਜਾਏਗੇ ਲੇਕਿਨ 3 ਇਨਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ 3 ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਿਆ ਬਣਾ ਕਿ ਉਹ 4 ਲਗਾ ਰਹਾ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ 4 ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਲਾਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਅਭੀ ਬਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਲੱਖ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਇਨਕਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਨਕਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਾਈ 4 ਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈ ਇਨਕਾ ਕਸੂਰ ਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰੀ ਬਣੇ ਆ ਇਹ ਅਭੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਪਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ 3.5-3 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਲਾਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ 3 ਦੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੇ ਵੱਧ ਪਏ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਮੈਨੇ ਅਭੀ ਬੇਚਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਵਾਂ ਖੜਾ 2,15,000 ਕਾ ਉਹ ਖੜਾ ਇਸੇ ਡਬਲ ਹੈ ਬੱਕਰਾ ਇਸੇ ਡਬਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਦਿਖਾਉਂ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਆਓ ਚਾਚਾ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਧਰ ਲਿਆਓ ਇਧਰ ਲਿਆਓ 5 ਕਿਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 10 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਸਲੇ ਲੈ ਤੇ ਜਾਸੇ 3 ਵਾਰ ਖੋਖੇ ਹੋ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੱਠੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾ ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ 10 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾ ਤੇ ਪੇਟ ਘੱਟ ਜਿਸਲੇ ਘਰ ਜਾ ਸਨ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹੋ ਸਨ ਮਾਰਕਾ ਵੇਖ ਸਨ ਸਾਡੇ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ 20 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਨਿਕਲ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਤੇ ਓ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਛੋੜ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੱਕਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਨਾ
मैंने ना इन्हों की मार्केट हो रहा उन्होंने क्या उसका आप कितना लगाते आप खरीदते तो नहीं असि वह खरीदे नहीं उदा ने जे अगर इदा खरीद दो लाख सतारह हजार दो सतारह का भी क्या हाँ जी बहुत अच्छा देसी घी उस लड़के ने खरीदा ये दूध ये कितने का होगा चाचा ये कितने का होगा ये तो उसको पता जिन्होंने खिले ही आपको खरीदना आप कीमत लगाए तो अंदाजा इतना ही होगा पता हाँ जी तीन तीन लाख का डेढ़ लाख रुपया ला रहे चाचा आप ये कितने का खरीदते चाचा मैं हाँ ये मेरे को तो डेढ़ लाख का नूते नहीं बारह कम नहीं कितना वैसे है कितने का कीमत कितने की इतने दिए भैया कितने दिए डेढ़ लाख का हाँ तू बात करता भी डाल ला मेरी सोन दस किलो पानी पिलाया दस किलो जंतर खवाया सवेर ये नूते ना नहीं था ना पर मदान खल में ना बकरे लमने डेमने चुप करना इन आधा है ना मऊला देख पे जैसे घरे जैसे पता लग सी ये उम्र भी बड़ी है उसकी उम्र भी छोटी है अल्लाह करे खैर करे बरेलर की भी उम्र छोटी होती है मतलब जिला बावलपुर के झंडे कटो तो खुद नहीं खा सकते इन्हों की मार्केट का पचास हजार रुपए का फर्क है फर्क फर्क जो कद हो फर्क है वो पचास हजार थले है पचास हजार मैं भी यही हूँ आपको हार रोड बताऊंगा ये कितने के बिके हैं अल्लाह करे ज्यादा बिके मैं नहीं हम ये नहीं कह रहे अपने बिजनेस है यार गल जरा ये ला रही है ना गल ये जिम्मे कुश्ती मैदान जवान लड़ता है ना इन्हों दुआ फिर इतने मैदान पाने वेख लेने छोड़ दे इन्हू छोड़ दे बरेला इन्हों वेख चीना बकरा मदरसा मंडी का चीना बकरा शहजादा पूछ पट्टिया मारते पानी सारी रात भरते थे गड्डी तक चढ़ते जा से यार उस कितना ना बकरा है हैं सच्ची सच्ची काल करो चाचा वो कहता अपना माल तो पांच पांच लाख का बेचते हैं आप मैं बेचा चीज है तेरी चीज तो अच्छी भी ये भी माड़ा तो नहीं है ना तो कहीं नहीं था वो अपने लेकिन आप कीमत डेढ़ लगा रहे हैं अपने हिसाब ना डेढ़ कनूते नहीं वारे खंदा छोटा सा उसके यार वो बहुत प्यारा होता है बहुत प्यारा होता हाँ जी पूछे पेटी भाई है पेटी भाई कह रहा है डेढ़ का बिकना है जी जी पेटी भाई आपको कह रहा है डेढ़ उसके साथ साथ मैंने पांच का इसलिए बेचा वो पांच का था ब्रेलर हमेशा ज्यादा बिकते बकरे को ब्रेलर क्यों कह रहे हैं वो यार है ब्रेलर ये माशाल्लाह देसी माल है इनू छाल मारते उतू ना जामन तो फिर आखी देसी ये भी गल सुनो मेरी ठीक बात है फिर जी देसी माल ज्यादा महंगा बिक रहा है हां जी देसी दा फिर रेट ही होर होना पैन खूबसूरत है देसी खूबसूरत भी है देसी भी है देसी शायद ही सलाम अलैकुम जी मैं आपका बहुत फैन सर मेहरबानी सर दिल करता था मैं मेरी मुलाकात आप सर क्या खरीदने आए आप सर मैं खरीदता तो नहीं आया मेरी इधर रिहायश है मैं पिक एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो बकरों की लोडिंग बकरा नहीं खरीदना आपने लेना है लेकिन कल लेने आना है हमने ये खरीद लें नहीं नहीं ये इतनी हैसियत नहीं खरीद लें आप इसकी हैसियत नहीं है अभी क्या कितने का दे रहे हैं हाँ जी बताएं जी ये कितने का आए चाचा अब जोड़ा 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 कितने का जोड़ा जोड़ा पांच लाख का जोड़ा ब्रेलर नहीं इसको ब्रेलर नहीं कह रहे ये देसी माल है अच्छा। वो दूसरों के बर्गो शरीकों के बकरों को ये देसी कह रहे ये ब्रेलर कह रहे जो कहता है कि डेढ़ टूटता नहीं है ठीक है ना हाँ ठीक है उसका एग्रीड चाचा ठीक कह रहे गल की है अशरीका जो अपने आप खाना लेन ये अन खाना लेन वो खाना लेन हकीकत मिसाल किलो सर मैं चाचा बात करने तो इतनी प्यारी बातें कर रहे हैं हाँ जी ये देखो ना सुनता हूँ आपकी बात पांच किलो ये पट्ठे पत्तर सारा कुछ पा के पेट पावना है।, है ये बकरे चाचा ने पाले हुए हैं लेकिन ये देसी माल नहीं है ये देसी है ये दूध क्यों जी देसी घी पीते हैं ये क्यों जी ये देसी है ये देसी के देसी फर्क है ये गोश्त जल्दी कर इसकी क्या कीमत है ये चाचा ने पाले हुए चाचा जी चाचा कीमत बता पास तो आए चाचा जोड़े का 3 लाख है जोड़ा 3 लाख का भाई ये जोड़ा 5 लाख का हाँ जी
कितना फिर अब ये 14-15 लाख का? हाँ ये 5 लाख का भाई। माशाल्लाह कौन सा अच्छा है जी आपके हिसाब से? कौन सा ये वाला? ये वाले बड़े हैं, ये 5 लाख के ठीक है, बहुत अच्छा है। और ये 3 लाख के जो बेचे उस पे भी बरकत डाले, उसकी कमाई में भी, जो खरीदे अल्लाह ताला उसकी। ये देखे ना कितनी प्यारी बात है, बात है ना, बात है बिल्कुल। जिंदाबाद जिंदाबाद मदरसा मंडी जिंदाबाद। क्या मदरसा मंडी जिंदाबाद? लेकिन यार वो बेचने वाली तरफ भी तो आए ना। फाइनल क्या कहते हैं? फाइनल बताए ना, लोगों को ये ज्यादा रेट लग रहा है आपको थोड़ा इसको ना। लाख दे फाइनल हो जाएंगे, 100 रुपया काट भी नहीं होने जी। हां जी कितना आपका क्या आप रेट तो लगाएं? नहीं वैसे किस वे? कितना वेट कितना इनका वेट है? तकरीबन 3-3 मन गोश्त है इनके बीच। चर्बी होगी ना बहुत ज्यादा, मीन के देसी तरीके से तो नहीं तैयार हुआ रानी भैया? मैं देखो ना तुम, ये तजर्बेकार बंदे हैं, बताएं बोलना तो थे। ये इसकी जैसे कंपैरिजन करें ना आप, ये वाला देखें जरा, ये 3 लाख मांग रहे हैं इसका, और कितना फर्क होगा लंबाई देखो, चुस्ती चुस्ती देखो, खा खाते तू ही चढ़ एफिशिएंसी बता रहे हैं यार, वो एफिशिएंसी बता रहे हैं कि इतने एफिशिएंट है वो, ये कर दो, ये बता रहे छोड़ के बजाने ना भाई। भाई से रेट तो पूछे कितने का, रेस लगाने लगे हैं भाई जी। हेलो छोड़ दे भाई इनको, भाई जान छोड़े इनको भी, इनको भी ले चल। ओए चुस्त है ये भी, उसे पीढ़िया चला देन है बरेलर जो होता ना बरामद होता ना उसके पास खब मारते खिला रहे हैं ब्रेलर को खुद उसके मुंह में दे रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो कोठी लैके जान गए 5 लाख बाहर लै जा सन, अज 10 दिन 15 पाए ने खीर कहते हैं ये। हाँ ठीक है, दूध पीता है और जंतर वगैरह देसी घी ये चीजें खाकर, ये सबसे ज्यादा हमारे लाहौर में ना राजनपुरी को बहुत पसंद किया जाता है। की खिलाते हो दसो ना तुम भी? अच्छा चाचा जवाब दे रहे और चाचा क्या खिलाते हो इसको? यार असा जरा इन्होंने कुछ नहीं, साढ़े भाई जरा दुध घ्यो पिलाते हैं असते, असा कुछ नहीं खवाने क्योंकि रहीम यार खाल देसी घ्यो हमेशा दबते होंगे अपने पंजाब छे कोई ना गलती ना उन्होंने डालते दिया मिलना है ना उठे वो उठे माँ गोदिया माँ की जड़ी खांड दी मैल होंगी ये ये वो खमान देन उन्होंने डाल दो चारा सार किसे तो पूछ ले कैसे ऐसा चारा वे चने वे खाता वे को चल साढ़े को चने पे नहीं थे बकरा वास्ते चने गंदू भाई जान हो आखरी गल आखरी बात ये दे अगु दाने रख दे मैं खुराक रख दे मैं इन अगु आप तेरे सामने बंदर ये रख दे ओई खामे ए खामे उनको खुद खिलाना पड़ेगा उनको खुद तेरी दास्तरियां वजह क्या वजह क्या भाई फूल आया चा जल्दी गलता है और काला नहीं होता उनका गोश्त। सोला क्या गाय की तरह ब्रेलर भी तब बेच पायो तो उसे लगा लिया जाता है ना काला हो जाता है गोश्त। ये जो दूसरे वाले हैं चाचा मुझे एक सवाल नहीं समझ आया, दूसरे वाले को देसी नहीं हम कहेंगे? नहीं देसी, देसी ये है वो फिर क्या है जी? वो क्या है वो यार देखो ना ये एक खुराक दे सकते जी देसी कुकड़ होती है देसी मुर्गा होता है ठीक है वो खुला अपना चरता है पीता है ते मुर्गे दी फीड होती है वो क्यों बत्ती दे फंडोर मार जाता है ये वो ही है। ये ना राजनपुरी का गोश्त ना आपको काला नहीं होगा जब भी ये हालात आपको मजीद दिखा रहे हैं जी शाहपुर कांजला मंडी के आप हमारे साथ रहिए खैरियत से। हाँ जी हाँ जी किसने दुम्बा खरीद लिया? ये 53.5 का माशाल्लाह मुबारक हो अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी जो कबूल फरमाए अपने यहाँ तो इसे अब रिक्शे में लेके जाएंगे रिक्शे में
लोड हो गई? हो गई। तो कौन कौन लेने आया था इसे? बस एक आदमी, वो लेने आया था, वो स्टूडेंट है। अच्छा भाई स्टूडेंट है, भाई जान आए? इधर आओ अहमद, इधर आओ अहमद, इधर आओ। बहुत मुबारक हो सर आओ। मुबारक भाई, थैंक यू थैंक यू। कितने में है? एक दस। एक दस में? हाँ जी। क्या हाल है जी आपके? ये बहुत रेट मांग रहा है। आप कितना कहते हैं इसका? हम 60 देते हैं। हैं? 60। 60? जी 60 भाई। आप 95 दो। हैं? ये लो कितना फर्क मैंने डाला है। पहले कितना कह रहे थे? 10 का था भाई जान। अब 95 पे? हाँ जी 95 में। ये आप दोनों की नहीं बात बननी मुझे लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपके? ठीक है जी। कितने में? 120 का। इतना महंगा? हाँ जी। सूफी साहब कितना लगाया आपने? हजरत साहब सामने का 70। ठीक है आप खरीद से मिजाज ठीक है? शुक्र शुक्र 75। यार क्या मसला है, आप दे दो। नहीं काम मोल काम। कितना और कहें तो तुम कहोगे ठीक है? 115 ला जाए। 115? इतने का नहीं है ये। इतना में नहीं है, इतना में नहीं है ये। ये 70 का गोल है। गोल? हाँ गोल, हमें भी पता गोल है यार। नए नहीं है लेने वाले। ये गोल क्यों कहते हैं इसे? गोल क्यों कहते हैं? गोल भी है ना, गोल मोल है। गोल मोल जी, मोटा ताजा, मोटा ताजा से गोल मोल। फिर ये 75 कह रहे हैं आप? हाँ जी 75 का दे दो भाई। नहीं होना भाई, भाई आखिरी दिन 75 का दे के जाओगे? नहीं होना है। 40 से नीचे नहीं आ रहे। कहाँ कौन सा? 1.5 लाख। ये वाला छोटा भी 1.5 लाख। गोल है? गोल गोल है, लेकिन रेट भी तो होना चाहिए उसके साथ। 1.10 का ले जाओ जी। 1.10 दे रहे? कितना फाइनल बताएं? 1.10 बनता नहीं। आप भी बताएं ना। हाँ दे दो जी। आप बताएं। 1.10। 1.30। 1.30 जी। अच्छा कितना? 70 सीधा। कितना जी? नहीं जनाब ये रेट बहुत ज्यादा। आप भी लगाए ना यार रेट कोई। इसका रेट नहीं है, उसका मैंने बात की थी उससे। वो ये पीछे वाला? हाँ पीछे वाला नहीं बेचता। इसका मैंने बात की थी, इसके 80,000 लगा दिया मैंने। 80,000? वो कितने का है? 1.30 मांग रहा है। बहुत प्यारा जानवर है। इधर है। अच्छा मैंने 80,000 रुपए मैं रख रहा था, मैंने कहा ले ले। हाँ भाई ये पसंद आया था। 1.20 कह रहा मैंने 80,000 रुपए। नहीं 80 में काटा पैता है। सही है 80, बिल्कुल बिल्कुल सही है जनाब। देख ले वजन देखने उस हिसाब से। 1.20 का बहुत बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ये गोल है भाई, गोल है। वो भी गोल है, वो भी। अच्छा वो भी गोल है। दोनों का सौदा नहीं हो रहा। और ये अच्छा जानवर है भाई। ये कितने में? ये 2.20 का। हाँ भाई देखें, 2.20 ज्यादती नहीं कर रहे। ज्यादती बहन देखो महंगाई है। इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2.20 ये तब्दीली ये आ गई है, तब्दीली ये है। 2.20 हाँ जी। कितना लगाते हैं इसका? ये तो माशाल्लाह रेंज से बाहर ठीक है। हाँ नहीं ठीक है ना, अपनी अपनी रेंज है हर बंदे की। इसमें हैं डोरेमोन। ये डोरेमोन है जी? जी डोरेमोन। इसका नाम डोरेमोन है? हाँ जी। गोल है भाई, गोल गोल। ये जी यहाँ की सूरत हाल है, और मंडी काफी तेज है, मंडी की तेजी। क्या भाई इसका रेट है? 2.10। 2.10 बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा माशा। कितना रेट लगा अब तक? 1.35-40 लगाते हैं। 1.40 लग गया? हाँ जी। और आप फाइनल कहाँ तक इसको विदा कर देंगे? 1.5 लाख का। डेढ़ नहीं लगा फिर? नहीं 1.40 लग गया। हाँ जी 40 में दे देना था। नहीं घटा और है, घटा और दो दिन और लग गया तो फिर नहीं नहीं देना। हाँ भाई साईं जी। हाँ जी भाई। कितने में? 1.35। साईं जी इतना महंगा क्यों? दोंदा है जी। गोल है, गोल। आपको गोल मोल दिखा रहे हैं जी, सारे के सारे बकरे, बेड़े, ऊंट हैं इधर बेशुमार। शाहपुर कांजना रौनक लगी हुई है। मजीद आला दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। सर गोश्त 600 किलो हो गया, ठीक है, तो 4 मन का भी लाइए तो किन्ने पैसे बनते हैं? गोश्त के हिसाब से भी लाओ। देखो सोल बच्चा है, उस तो बाद पेटल नहीं है बच्चा। अच्छा कितना रेट आपने लगा दिया? सर मुझे तो लग रहा है 1.5 लाख लग रहा है बस। 5 लाख
मतलब 1,05,000। अच्छा 1,05,000, मैं कह रहे 5,00,000। नहीं आपने कितना कहा है जी? अभी तो कुछ भी नहीं कहा, अभी तो कुछ भी नहीं कहा, अभी तो देख रहे हैं कि वो तो कहते हैं 2.5 मान क्या है सारा, दो तीन मंथ मैक्सिमम, 3 मंथ ज्यादा गोश्त नहीं होगा। कुछ कहे ना जी, कुछ लगाएं तो रेट तो लगाएं। 80,000। 80 भाई फाइनल? चलें कोई मसला नहीं, 85 कर लो। और नहीं भाई, कितना फाइनल आपने करना है जो आपका रेट फाइनल है? भाई मैं तो 1,05,000 मुझे लग रहा है, मैं कैसे दे दूँ 80 में? 1,05,000 मुझे दे रहे हैं बेचने वाले, 1,00,000 दे रहे हैं जिन्होंने मुझसे लेके बेचना है, मेरे पास 12 से 2 रह गए। माशाल्लाह, किस रेट में गए सारे? कोई गया 25 में, कोई 20 में, कोई 1,25,000, 1,20,000। हाँ जी, कोई 1,30,000 में गया। तो ये कितने में निकल जाएगा आपका तजर्बा अभी तक क्या कहता है? 10 में निकल जाएगा। 1,10,000 में निकल जाएगा जी, इससे नीचे नहीं निकलेगा? कुछ कह भी सकते हैं, हो सकता है 5 में देना पड़े, हो सकता है 1,00,000 में देना पड़े, मंडी का साथ है, कल इतवार है, कल गाहक निकलेगा। आप जब फैसला करते हैं और कम कर देते हैं रेट एकदम से, तो फिर पीछे बड़ी थक चुके होते हैं बेच बेच के, या क्या चक्कर चलता है? ये है ना, इसकी मोड़ जो दूसरों पे डाल देते हैं कि चलो यार इसका कोई नहीं प्रॉफिट नहीं आई या नुकसान में से निकला है। जी, बाकियों में से निकला ये पीस फिर आप जल्दी निकाल देते हैं? जी सर। अच्छा ये करते हैं, कई दफा मौसम बदल जाता है, कई दफा बड़ी बारिश आ जाती है, कुछ भी सारी चीजें वो नहीं, इधर मंडी में जब खूब हो जाएगा बारिशें कुछ भी नहीं होगा सर। अच्छा रेट यही फिक्स रहे? आखिरी 2-3 दिनों में मंडी टूटती है? नहीं, आखिरी 2-3 दिनों में तो मंडी टूटती है ना? टूटती नहीं, टूटती सर, जिन्होंने पैसे भरे हैं पीछे वो कैसे तोड़ेंगे? आपने एक चीज 10 रुपए में खरीदी है तो आप कैसे देंगे 5 रुपए में? ये भी तो देखे ना, ये कैसे कितना ऊपर चला गया, महंगाई कितनी है, 600 रुपए मन पट्ठे हैं तो हम क्या करेंगे? 2.25 साल पालते हैं हम जानवर को, तो उसका हिसाब लगाएं कितने पैसे बनते हैं, हमें तो 100 रुपए भी दिहाड़ी नहीं बनती इसकी। 1,10,000 में फाइनल कर देंगे? जी सर। फिर जी 80 में फाइनल? या पूरा हफ्ता शो करें यहाँ के, ये 1,10,000 में बेच गया तो मैं 1,20,000 दे दूंगा इसका। अच्छा जी, नहीं बिकेगा? नहीं बिकेगा। 80 12-14 मैंने बेचे हैं। तो भी देखिए 12 से 20 बेचे होंगे, कहने को तो 50 बेचे होंगे। कह रहे हैं ये मुश्किल है, मैं इतना 80 का ले गया हूँ। आप भी माशाल्लाह लेंगे ना तो कुकड़ी लेंगे, बेफिक्र हो यार। इस तरह नहीं सर, पर्सनल ना कुछ करे प्लीज, देखेंगे दोनों का। बड़ा फ्रीजा, बड़ा बरकत वाला और नेक है, इस वजह से वापस लग जाएंगे, लग जाएंगे। और कोई गल नहीं, रेड़े से जोड़ लेंगे, असल से पट्ठे ले आवेंगे, हूँ खोती रेड़ी वाला कम गया, अभी पट्ठे लेके आवेंगे, तो अगले साल और डबल हो जाएगा, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज की। शहर की आसवारी रह जाने ने कुर्बानी तो। हेलो, हाँ शहर की 70-70 जी नहीं लगना सर जी। सर बलैलर खा के हट के कहने बलैलर वाले मुल लाइए, वो कोई चक्कर नहीं था। चलो पॉइंट ठीक है, बड़ा बराबर का जोड़ है जी इस दफा, सख्त मंडी, तारीख की इस वक्त बुलंद तरीन रेट पे मंडी है, और साथ सख्त है कि इस दफा व्यापारी भी अपनी पोजीशन ले चुके हैं और शहरी भी पोजीशन ले चुके हैं, दोनों पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है। और जहां भी आप खरीदारी देखें तो अब अच्छी खासी बहस हो रही है, बिक्री कम हो रही है, बहस अब ज्यादा हो रही है, शायद आखिरी 4-5 दिन वो कंक्लूड करें हालात को। मजीद आपको और भी इधर व्यापारियों के हालात दिखाते हैं और शहरियों के हालात भी दिखाते हैं कि शहरी क्या कह रहे हैं। ये 9,00,000-10,00,000 का बोलते हैं ये। नहीं नहीं, आप तो चाचा सस्ता दे रहा है। चाचा कितने में? 1,20,000। सिर्फ 1,20,000 यार बच्चा, देखो सिर्फ गोल मोल मच्छा यार। नहीं चाचा, 1,20,000 तो बहुत कम है। कम है, ज्यादा है? किसका फार्म का? फार्म का फला हुआ है। अच्छा फिर तुसें दसना? हाँ भाई बताएं। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, आगे खरीदना है, ये छोटा। क्या रेट आपका, आप तो लगाए ना? कितना होना चाहिए? क्यों जी? 80,000 रुपये। 80? हाँ जी 80,000। हाँ जी 80,000। चाचा 80 लग गया, मुबारक हो। मुबारक जी, तो और क्या मुबारक है चाचा, तेरा बिक जाएगा चाचा। नहीं देते चाचा, कहाँ जा रहे हो? 80 लग गया ना भाई। 85? नहीं देना। 87? जाना है ना, 1,10,000 का ले जा। 88? 89? सर देना किन्ने है? देना किन्ने सर? सर अभी तो दसो ना, देना किन्ने? हाँ भाई हाँ हाँ जी, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। 1,10,000 ना, 1,10,000 फाइनल? फाइनल हाँ? फाइनल हो गया भाई, 1,10,000 में नहीं बिका जी। हाँ भाई कितने में? 1,20,000 का। 1,20,000 का कितना लगा इसका अभी तक? 85 लगे, 85-90 तक चले जी। तो आप 1,10,000 में निकालेंगे जी? जी इससे नीचे कोई नहीं? नहीं जी नहीं। यहाँ हो सकता है जहन बदल जाए आपका थोड़ा सा? नहीं बदलेगा जी, बहुत थक थका के जब बंदा
सारा दिन जो मर्जी हो जाने से एक दस जी पहले कितने एक दस में निकले एक बिके है एक बिके हाँ जी एक दस का अगर ये बिके तो कितना प्रॉफिट होता आपको तीन हजार रुपये सिर्फ 3,000 बचता है हाँ जी बाकी सारा खर्चे खुर्चों में पड़ जाता है जी हाँ जी हाँ जी हाँ अस्सलाम वालेकुम कितने में लेना नहीं है हमने सिर्फ एक शिकायत करनी है बताएं शिकायत ये है कि एक जानवर जब मंडी में बिकने के लिए आता है तो फी जानवर वो 500 रुपया पर्ची का ले रहे हैं जानवर वही अंदर आने का ठीक है वो कुमन ने उनको ठेका दे दिया वो चल रहा है अब वही जानवर जब बाहर जाता है तो फिर 500 ले रहे हैं ये जाती आप 500 पट्टे खर्चा ठीक है खर्चा हो रहा है जानवर है उसमें खाना भी है सब कुछ है एक जानवर पे दो दफा टैक्स लेना हमसे बाहर निकलते भी 500 और अंदर आते भी 500 ये तो गलत बात जानवर तो वही है एक जानवर का एक टैक्स हो गया एक दफा बस एक दफा हो गया अब एक जानवर का दो दफा टैक्स लेना हमसे और गाड़ी का उसके अलावा टैक्स 20-20 दफा ले रहे हैं गाड़ी का 20-20 दफा गाड़ी आ रही है उसका टैक्स ले रहे हैं अब वो तो वापस जा रही है वो पर्ची दिखा के चले गई ठीक है उसका एक दफा है जो जानवर एक दफा अंदर आ रहा है उसका टैक्स 500 ले रहे हैं जो बाहर जा रहा है वही जानवर बिक के फिर उसका 500 ले रहे हैं क्यों ये तो ज्यादती है वहां ये नोटिस लेना चाहिए अरबाब इख्तियार को ये बड़ी प्रॉब्लम है व्यापारियों के साथ मेहमान है इधर आते हैं आप एक दफा टैक्स चार्ज कीजिए जब अंदर आ जाते हैं बाहर जाते हुए टैक्स नहीं होना चाहिए 15.5 लाख का जी और इसका कोई नाम भी रखा है रखा जी क्या बाबर अली बिल्कुल फिल्म स्टार बाबर अली से जो समझ लो बहुत प्यारा है माशाल्लाह इंशाल्लाह कितने में रेट 15.5 लाख 15.5 लाख कितना लग गया अब तक 8-10 लग रहे हैं कितने में निकल जाएगा जो नसीब में है क्या खूबसूरत है जी आप देखें और भी लाभ दिखा रहे हैं आपको हाँ भाई जी भाई वो इसके ऊपर क्यों बैठ गए हो यार ये खूबसूरत बहुत है खरीदना आपने नहीं बेचना है कितने में ये 3.5 लाख में कितना रेट लग गया इसका इसका 2 लाख तो 3.5 तो नहीं लगा नहीं नहीं भाई नहीं लग रहा मांगना तो है ना किस हद तक आप जाएंगे कहाँ जाके आप लॉक करके बेच देंगे अंदाजा जी जिथे कीड़ी नपी गई कीड़ी कितने नपी जाएगी चलो जी और 50 लाख जी कितना लग कितना गया इसका 2 लाख जी ढाई में आप दे देंगे दे देंगे जी तो इसके ऊपर तो ना यार बैठे नहीं यार ये प्यार करते हैं ना हम इससे लव करते हैं क्या नाम नूम भी इसका रखा है इसका बबलू नाम रखा है अभी रखा है नहीं नहीं पिछले साल से ये तो बात बूझ समझता आपकी नहीं पूरी जी क्या आप अभी कहें कि जाओ नहीं ना अभी तो मंडी में आ गया ना घर में नहीं है ना घर में बात समझता है समझता जी अच्छा क्या बात समझता है कुछ नहीं जी पानी पियाना तेन पूछी पानी पीना तो कर देना अच्छा फिर पिया दीदा जी और खाना खाना जी पहले ये पूछने तो बगैर ही पा दीदा उसका नहीं पूछना पड़ता नहीं शाहपुर कांजना के हालात आपको दिखा रहे हैं ये बड़ा खूबसूरत प्यारा बबलू जिसके ऊपर भाईजान बड़ा जमान है और इससे प्यार का इजहार कर रहे हैं जो भी लोग जानवर पालते हैं उनको जानवरों के साथ मोहब्बत हो जाती है प्यार हो जाता है फिर अपने प्यारों को वो कुर्बानी के लिए बेच देते हैं ताकि लोग कुर्बानी कर सकें सलाम अलैकुम ठीक है आप ठीक कितने में 1,90,000 190 एक 90 सर सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह कितना कितने में सर खरीदा सर ये खरीदा नहीं है अभी इनसे रेट कर रहे हैं 1,25,000 रुपए हमने इसका लगाया क्या दिया आपने हाँ जी हाँ जी लेकिन वो दे नहीं रहे बहुत तेज है मार्केट आज नहीं पकड़ाई दे रही नहीं कल की निस्बत 20-20,000 ज्यादा है इसकी क्या वजह हुई पता नहीं अभी इनके दिमाग अभी ऊपर चढ़े हुए हैं अभी देखें क्या बनता है दिन तो 10 रह गए बीच में ऐसे ही है अभी आहिस्ता आहिस्ता जब गाहक इनको रेट शेड लगेंगे तब कुछ सेटल होंगे नहीं फैसले आखिरी 2 दिनों में होंगे फिर ऐसे ही लग रहा है लाहौर का ट्रेंड भी यही है कि आखिरी 2 दिन में लोग खरीदते हैं लाहौर ये मंडी का रेट टूटने का इंतजार कर रहे हैं ऐसे ही है एग्जैक्टली ऐसे ही है कुछ ये भी है कुछ ये है कि संभाल नहीं सकते तो वो फिर व्यापारी बड़ी सख्त पोजीशन लेके आए हाँ जी बिल्कुल लास्ट ईयर से डबल रेट है ऑलमोस्ट बहुत सख्त है बहुत सख्त लास्ट ईयर इतना जानवर तकरीबन अगर एक मिनट मेरे साथ चाचा 1,25 कह रहे हैं हाँ जी कह रहे 25 कही जाए जनाब कोई चक्कर नहीं हाँ कोई चक्कर नहीं इनके कहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं आपके दिल की बात कहें आपने दिल के 80 हो जाए 80 एक अस्सी चाचा फाइनल बताओ ना 31 ले लो 10,000 और लग गया तेरा 31 पे बताओ नहीं लाला फाइनल बताए फाइनल जिसपे आप कहें कि बस 1,75 फाइनल
ये तो 5 लाख सिर्फ 5 हज़ार छोड़ा है। हाँ अभी अभी रेट का काफी फर्क है, अभी देखते हैं आगे। विजिट किया आपने बाकी मंडी का? हाँ जी विजिट किया, हम 1.5 घंटे से विजिट कर रहे हैं तो, लेकिन रेट अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा बजट तकरीबन 1.5 लाख का है तो फिर भी नहीं समझ आ रहा। फिर भी नहीं समझ आ रहा, 1.5 लाख में भेड़ा मिल रहा था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बेहतर हालत में मिल रहा था। हाँ तो ऐसे ही है, इसको कहते हैं ये गोल है, देख लें गोल है। हाँ बिल्कुल साहिवाल का वाला मिल जाता है, लेकिन अभी नहीं, वो समझ नहीं आ रही सर, चीज भी समझ नहीं आ रही है। मार्केट का जो ट्रेंड है बहुत ज्यादा, एक प्राइस कॉन्शियस भी हैं लोग, कह रहे हैं कि यार रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, मार्केट भी बहुत तेज है, कस्टमर भी इतना ज्यादा आपको नजर नहीं आ रहा जितना जानवर है उस हिसाब से। अभी वो कस्टमर भी वो उस तादाद में नहीं। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही। अगर लाहौरिया चाहते हैं कुर्बानी करें तो मेरा ख्याल है इन्हें मंडी के रेट टूटने का इंतजार करना पड़ेगा, चूंकि अच्छे खासे रेट जो हैं वो मंडी के बढ़ चुके हैं और तकरीबन पिछले साल की नस्बत दुगने रेट हैं, और व्यापारी बहुत अहम और सख्त पोजीशन लिए बैठे हैं। और लाहौरिये जो हैं वो भी जब आते हैं तो अभी विंडो शॉपिंग चल रही है, लेकिन बिक्री का सिलसिला जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ। फाज शहबाज़ खान को शाहपुर कांजना से इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।